अभी हम लोगों ने इसके पहले के पार्ट में आप देखे हो, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्लियर किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है और उसकी अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। और आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कि हम लोग किस तरह से इसके क्वेश्चंस का इंग्लिश किस तरह से करेंगे, जिसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इंटरोगेटिव समझ रहे हो, दीज आर आस्किंग सेंटेंसेस। आस्किंग मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न दो तरह के होंगे, एक तो होगा यस नो, यस नो का मतलब इसका उत्तर आप केवल यस या नो कह दोगे, है ना। क्या तुम जा रहे हो, हाँ या ना, तो कैसे कहेंगे, क्या तुम जा रहे हो। क्या करना है, हम लोगों ने क्या देखा था उसमें, मेन जो सेंटेंस था उसमें क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये हम लोगों ने दिया था। इसमें में क्या करना है कि देखना है क्या है, तुम के साथ क्या लगना चाहिए, आर, तो हम उस आर को पहले कर देंगे, उसके बाद तुम लिखेंगे आर यू, फिर भारत का फोर्थ फॉर्म जो था आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, बोलेंगे कैसे, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। इस तरह के सेंटेंस हम यस नो में रखते हैं और ऐसे इंटरोगेटिव बनता है। और दूसरे तरह का इंटरोगेटिव क्या है, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन के वर्ड्स, जिसको हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जैसे व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, आपको पता होगा और कलेक्ट भी कर लीजिए आप अगर आपके पास नहीं है। तो इस तरह से इनके साथ जब होगा तो हम लोग हाँ या ना कहकर काम नहीं चला सकते। जैसे अगर कहेंगे तुम कब जा रहे हो, अब कहेंगे हाँ, ये तो मजाक की बात होगी, तुम कब जा रहे हो, नहीं ऐसे तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे, इसका उत्तर देना होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन का वर्ड क्या है, कब, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन, तो पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद ये जो हमने बनाया उसको यहाँ रख देना उठाकर, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो। अब इसके उत्तर के लिए हम लोग, इसके आंसर के लिए हम लोग किस तरह के सेंटेंस का यूज करते हैं, पहले हम लोगों ने जो सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस इसके पहले के पार्ट में, आप उसको देख लेंगे तो ही ये पार्ट क्लियर हो सकेगी, इसलिए आप ज़रूर देखें इसके पहले के पार्ट को। तो उसमें व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, तो आई एम गोइंग इन द मॉर्निंग, ऐसे करके हम लोग वहाँ से लेकर इसका काम करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सिंपल फॉर्मेट है उसको किया। इसके आगे भी इसमें बहुत कुछ सीखने को है, मैं इसके अगले पार्ट में उसको डील करता हूँ।